Hello guys, welcome back again to your own YouTube channel. So this is a prediction video for your 25th May IELTS exam. तो अगर आपका भी exam है उस दिन, make sure कि आप इस video को last तक जरूर देखिएगा. I will mention some important writing task 1 and 2 statements और साथ ही आपको reading passages के नाम भी बताऊंगा, जिसमें से आपको exam repeat होते हुए देखने को मिल सकता है. Even पिछले exam में भी आपको writing task 2 मेरी राइटिंग बुक में से ही देखने को मिला. इट वॉज रिलेटेड टू हाउसिंग, कि गवर्नमेंट को फ्री हाउसिंग प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं. अगर आप देखें तो पिछले 10 से 15 एग्जाम आपको इस बुक में से राइटिंग टास्क टू देखने को मिला है. लेट्स सी कि अगले एग्जाम में, यानी कि 25th मई के एग्जाम में, आपको कौन से टॉपिक्स देखने को मिल सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द एकेडमिक एग्जाम, उसके बाद जीटी के स्टूडेंट्स की भी डिस्कशन हम करेंगे. सो टास्क वन की अगर बात करें तो आपको बार चार्ट और पाई, इन दोनों में से देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर. सो इसके स्ट्रक्चर को आपने अच्छे से देकर जाना है. ऐसे राइटिंग की बात करें, यानी कि टास्क टू, तो इसमें आपको एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड अगेन एग्री डिसएग्री टाइप क्वेश्चन में से एक देखने को मिल सकता है. मोस्ट प्रोबेबली एग्री डिसएग्री और एडवांटेज डिसएडवांटेज में से ही एक आने के चांसेस रहेंगे आपके. कौन से टॉपिक्स आपने कवर करने हैं, उसमें आपका एनवायरमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पॉलिटिशियंस की या फिर लोगों की, या फिर किसको पे करना चाहिए एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, प्राइवेट कंपनीज या फिर इंडिविजुअल्स, या फिर क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि आपको क्लाइमेट चेंज के हिसाब से अडैप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सेकंड कैटेगरी वुड बी बेस्ड ऑन फूड ईटिंग हैबिट्स. एक तो ओबेसिटी के ऊपर हो सकता है कि फैटनिंग फूड्स का प्राइस इंक्रीज करना चाहिए, टैक्स वगैरह, या फिर ओबेसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है आपका फूड हैबिट्स के ऊपर. एंड थर्ड टॉपिक वुड बी अबाउट योर ओल्ड एज, यानी कि एल्डरली सिटीजन्स के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं वो, कि फैमिली मेम्बर्स को ध्यान रखना चाहिए या फिर एल्डरली सिटीजन्स को काम करते रहना चाहिए अगर वो कर सकते हैं या नहीं. सो इट वुड बी बेस्ड ऑन एल्डरली पीपल्स लाइफ. ये वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप ज़रूर देखिएगा बिफोर गोइंग इन टू द एग्ज़ाम, बिकॉज इनमें से आपको रिपीट होते हुए देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे ये वाला, बिकमिंग ओवरवेट अनहेल्दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट है ये, ठीक है. इसके अलावा बात करें तो आपका ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि, या डायनासोर्स वाला, कि एक्सटिंक्ट हो रही हैं स्पीशीज, इसको आप नहीं रोक सकते हैं. आगे चलें तो आपका अगेन सीरियसली ओवरवेट सॉल्यूशन, फैटनिंग फूड वाला जैसे मैंने आपको बताया. एंड इन टर्म्स ऑफ एल्डरली पीपल, यहाँ पे गेटिंग ओल्ड इज बैड कुछ लोग मानते हैं, एंड डिस्कस बोथ इज गिव योर ओपिनियन. आगे चलें तो आपका ये मैंने पॉलिटिशियंस वाला आपको बता ही दिया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियंस. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप एक बार ज़रूर इनके आइडियाज़ को रीड करिएगा. वैसे तो आपको इनके आंसर्स मिल जाने चाहिए ऑनलाइन, बट स्टिल इफ़ समवन नीड्स दीज बुक्स, अगर आपको ये बुक्स चाहिए, मैंने सारी बुक्स बना रखी हैं पास्ट एग्जाम्स की. रीडिंग की भी बुक है जिसमें पैसेज वन की मैंने अलग से बुक बनाई है, पैसेज टू एंड थ्री की अलग है, मीन्स सभी डिफरेंट मैंने सेग्रीगेट कर दिए हैं. एंड इवन लिसनिंग की भी, पास्ट एग्जाम लिसनिंग्स की भी बुक आपको मिल जाएगी. सो इफ़ एनी वन वॉन्ट्स दीज PDFs तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अभी व्हाट्सएप नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. बिफोर मूविंग ऑन टू योर रीडिंग मॉड्यूल, आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि आपने किसी भी तरह की प्रेडिक्शन के ऊपर टोटली डिपेंडेंट नहीं होना है, चाहे वो मेरी हो या किसी और की हो. प्रेडिक्शंस आर जस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिसेंटली एग्जाम में आए हैं पिछले एक दो साल के अंदर, और उसमें से रिपीट हो सकता है. मैं तो पास एग्जाम क्वेश्चन ही शेयर करता हूँ आपके साथ, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरे पास जो क्वेश्चन है वो सारे प्रीवियस ईयर्स के ही हैं, तो उसमें से चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे. बट आपको बेसिक आइडिया हर क्वेश्चन टाइप का होना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में उसको कंपाइल कर सकें, आपको ज़्यादा मुश्किल ना आए. बात करते हैं अब रीडिंग मॉड्यूल की. सो रीडिंग थोड़ी सी आपकी ट्रिकी रहेगी, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग. अब एक डिफ़िकल्ट पैसेज 3 and 2 आपका रहेगा एग्ज़ाम के अंदर. आपको मैचिंग दी पैराग्राफ हेडिंग्स देखने को मिलेंगे, येस नो नॉट गिवन एंड मैचिंग दी सेंटेंस एंडिंग्स एज वेल, ये क्वेश्चन टाइप्स आपकी रहेंगी. पैसेज 1 में ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स आपके नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं वही रहेंगे. दीज आर दी इम्पॉर्टेंट पैसेजेस, ये कुछ इंपॉर्टेंट पैसेजेस हैं जो मैंने मेंशन किए हैं. इनमें आपका डर्टी रिवर क्लीन वाटर,
dinosaurs, footprints and extinction, father of modern management. इसके अलावा रोल ऑफ मदर टंग इन एजुकेशन. आगे चलें तो आपका पर्सनालिटी एंड अपीयरेंस, पेपर और कंप्यूटर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी इन टैल्बर्ट पार्क, रिसर्च इनटू माइट. ये कुछ इंपॉर्टेंट पैसेजेस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं. आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी कि पैसेज वन रिपीट हो आपका और इट वुड बी पैसेज टू. वैसे तो पैसेज वन के रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं इस बार, सो मैंने कुछ पैसेज वन शेयर किए हैं इनमें. सो आप इनको प्रैक्टिस करिएगा. अगर आपको नहीं मिल रहे हैं ये वाले पैसेजेस खुद से, तो आप बुक ले सकते हैं मेरे से इफ़ यू इंटरेस्टेड. देन अभी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स. लिसनिंग मॉड्यूल की बात करें तो इट वुड बी ईजी. इसमें ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं आनी चाहिए. सिर्फ पार्ट 3 और 4 आपके फ्लुएंट रहेंगे. सो जब भी आपने प्रैक्टिस करनी है तो 1.25 की स्पीड के ऊपर करिएगा. एंड कौन सी लिसनिंग्स आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपकी ये वाली मेन रहेंगी. ये आपके सेक्शंस के नाम हैं और ये सारी की सारी लिसनिंग्स आपको मेरे लिसनिंग वाले चैनल के ऊपर मिल जाएंगी. एंड इसमें से आपको बहुत सारी लिसनिंग्स एग्ज़ाम में रिसेंटली आई हैं. पिछले ही दिनों में आपको बिल्डिंग वर्क वाली लिसनिंग देखने को मिली थी एग्ज़ाम में. उससे पहले आपकी कॉलर रिकॉर्ड कार्ड, होटल बुकिंग इंक्वायरी और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पहले भी आ चुकी हैं. सो जो भी लिसनिंग्स मैं इस चैनल पे अपलोड करता हूँ वो एक्चुअल एग्ज़ाम लिसनिंग्स हैं जो कि पिछले 2 साल में आई हैं. सो जैसे भी मुझे पता चलता है न्यू टॉपिक तो मैं अपलोड कर देता हूँ आपके लिए. सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड मेक श्योर कि आप डेली प्रैक्टिस किया करें यहाँ से. ओनली MCQs लिसनिंग्स भी डालता रहता हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए. सो मेक श्योर कि आप चैनल पे जो भी मैंने कंटेंट डाला है, मेन चैनल पे आपको रीडिंग पैसेजेस मिल जाएंगे एक्चुअल एग्ज़ाम के, जिसमें से आपको आया भी था एग्ज़ाम के अंदर पैसिफिक नेविगेशन वाला जो कि मैंने एक्सप्लेन करा था विद क्वेश्चन टाइप्स. सो मेक श्योर कि जो भी अपलोड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्ज़ाम. सो बेसिकली इनको प्रैक्टिस करिएगा. अगर आपको फिर भी कोई डाउट वगैरह रहेगा तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा. Now for those students who are not able to clear their IELTS exam, आप मेरे ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने WhatsApp नंबर आपको दे दिया है एंड साथ ही आपको मेरा Instagram पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेक श्योर कि आप फॉलो करें पेज को हमारे एंड रिजल्ट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे. 8.5 8 बैंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के हैं, आपके भी आ सकते हैं. आई कैन अश्योर यू कि विद इन 1 month आपकी इतनी इंप्रूवमेंट मैं करवा दूंगा कि आप 6.5 बैंड्स इजीली ले पाएंगे. आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी एंड एक बैच में मेरे मैक्सिमम 4 से 5 स्टूडेंट ही रखता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं होते हैं. सो हरी अप एंड एनरोल इन द बैच. आपके पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे एंड फीस भी मैंने अफोर्डेबल ही रखी हुई है. लेट्स मूव ऑन टू योर GT एग्ज़ाम. सो GT स्टूडेंट्स की राइटिंग की बात करें तो Task 1 में आपको फॉर्मल लेटर देखने को मिलेगी एंड ऐसे में आपको आइदर डायरेक्ट क्वेश्चन होगा और इट वुड बी अ डिस्कस बोथ व्यूज गिव योर ओपिनियन टाइप क्वेश्चन. कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं? लाइफस्टाइल बेस्ड क्वेश्चन, वर्क, एजुकेशन, फूड एंड सोसाइटी इश्यूज एंड दीज आर सम ऑफ द रीसेंट राइटिंग Task 2 क्वेश्चन जो डिफरेंट कंट्रीज में पूछे गए हैं. वैसे तो GT के मॉड्यूल ज़्यादा रिपीट होते नहीं हैं बट स्टिल अगर आपको क्वेश्चन रिपीट होगा तो इन टॉपिक्स में से आने के आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे एंड इनके आंसर्स आपको इजीली मिल जाएंगे डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर. इसकी PDF अभी तक मैंने नहीं बना रखी है सो आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, आपको इनके आंसर्स को ढूंढना होगा. हाँ, फिर भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, वो आप मुझे बता दीजिएगा. वो पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपको सैम्पल आंसर उसका प्रोवाइड कर दूंगा. एंड बात करें Task 1 की, उसमें भी मैंने यहाँ पे कुछ लेटर्स शेयर किए हैं आपके साथ. अगर रिपीट होता है तो इनमें से आने के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे. सो इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर योर एग्ज़ाम, मेक श्योर टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस ताकि आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो सके आपकी एग्ज़ाम के लिए. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द रीडिंग मॉड्यूल, सो रीडिंग ईजी रहेगी आपकी, कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको. ब्लैंक्स ज़्यादा रहेंगी अलॉन्ग विद योर ट्रू फॉल्स, सो ज़्यादा ट्रू फॉल्स एंड ब्लैंक्स रहेंगी एग्ज़ाम के अंदर. एंड एक पैसेज में आपको पैराग्राफ कंटेन्स इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे, अदरवाइज इट वुड बी एन ईजी रीडिंग. आपको मुश्किल नहीं आनी चाहिए, GT की रीडिंग वैसे भी क्वाइट ईजी होती है. ठीक है, सिंपल आंसर विदाउट रीफ्रेजिंग वहाँ पे पड़े होते हैं. ठीक है, फिर भी आपके लिए कुछ पैसेजेज मैंने दे दिए हैं, ऑल्दो दे डू नॉट रिपीट
बट अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो ये काफ़ी अच्छे लेवल के आपके रीडिंग पैसेजेस हैं, इनको आप प्रैक्टिस करिएगा एंड इससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होगी बिकॉज ये एक्चुअल एग्जामिनर्स के द्वारा बनाए गए पैसेजेस हैं, ये आपको ईजिली मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू वॉन्ट दोज बुक्स, ये सारे पैसेजेस हैं मेरे पास, सो इफ़ यू वॉन्ट देन यू कैन लेट मी नो। एंड लिसनिंग मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है, सो मेक श्योर कि आप चैनल से जुड़े रहें एंड कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, और आपके लिए जल्द ही कुछ नया भी लेकर आएंगे सो दैट यू कैन गेट डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट लाइफ इन कैनेडा और अदर कंट्रीज। सो स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन।